मधुबनी के बासोपट्टी में एक सोना चांदी के दुकान का शटर काटकर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दुकानदार ने बताया कि दुकान का शटर काटकर दुकान में घुसकर लॉकर में रखे लगभग लाखों रुपए के जेवर चोर चुरा ले गए। बासोपट्टी थानाध्यक्ष ने बताया कि चोरी की घटना की जानकारी मिली है, जांच कराई जा रही है। उधर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई तस्वीरों को भी खंगाला जा रहा है और उससे चोरों को पहचानने की कोशिश की जा रही है। ये जो चोरी हुई इसको क्या पता, कैसे जानकारी हुआ कि ये चोरी हुआ? ये सुबह में जो है हमारे मकान मालिक मेडिसिन का दुकान थी ना, वो आए हैं तो देखेंगे टेबल बाहर में रखा हुआ है, उधर से ये रखा हुआ है, तो फिर उस पर देख रहे हैं कि साइड में देखते हैं जो कटर सदर कटा हुआ है, कि हमको फ़ोन किए हैं तो आए तो देखते हैं सदर कटा हुआ है। काउंटर में जो जो सामान सब था, कुछ सोने का कुछ चांदी वाली का सामान सब उसको सब निकाल दिया है, और जो कुछ सामान डबा हुआ उनको जो हुआ है उसको अकेला जितना पार लगा सब लेकर जो है बंद किया। लगभग कितनी चोरी हुई होगी इसमें? लगभग अनुमानित हम अभी देखे नहीं है, लेकिन अनुमानित है कि काउंटर में अनुमानित में जो होगा उसका अंदर हम अभी देखे नहीं है। कितने बजे घटना है ये? लगभग हम ये 2:30 बजे की पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता का सबूत जीता जागता उदाहरण है। और एक ही घटना नहीं, आज अभी स्टेट बैंक के पास भी घटना हुई है, आज ही हुआ है सर, आज रात में ही हुई है। और यहाँ आम जनता क्या, जनप्रतिनिधि से लेकर पत्रकार हो या कोई समाज सेवी हो, कोई भी आज सुरक्षित नहीं है। प्रशासनिक विफलता का ये परिणाम है। कुछ दिनों पहले निरंजन नाम के आदमी के यहाँ भी चोरी हुई है, वो आवेदन नहीं दिया है, लेकिन उनके यहाँ भी चोरी हुई है। बगल में इसी मकान के बगल में आप ही के पत्रकार बंधु रोशन ठाकुर जी का घर है, उनके यहाँ 2021 में चोरी हुई थी। अब तक उस घटना का कोई सुराग नहीं लगा है, इससे क्या प्रतीत होता है? सर ब्राह्मण टोल में भी एक ऐसा ही चोरी हुआ था जो दीवार कूद के चला गया था, उसके ऊपर भी प्रशासन कोई सुराग नहीं निकाल पाई। अब क्या कहा जाए इसको, मिली भगत ही न।